एक हफ्ता पहले मालदीव में नई सरकार बनने के बाद मालदीव में एक बार फिर भारत का डंका बजने लगा है और चीन की चालाकियां धरी की धरी रह गई। मालदीव में अचानक बाजी पलटती देख चीन बौखला गया है। बौखलाए चीन ने मालदीव पर करोड़ों रुपए का बम फोड़ दिया है। दरअसल चीन ने हिंद महासागर में स्थित इस छोटे से देश की सरकार को 23,000 करोड़ रुपए की कर्ज की इनवॉइस सौंपी है। जो मालदीव के हर नागरिक पर $8,000 यानी $56,00,000 रुपए के बराबर है। हालांकि चीन ने इस आंकड़े को खारिज करते हुए बताया है कि ये कर्ज लगभग $1.5 अरब के आसपास का है। हालांकि एक हफ्ते पहले कमान संभालने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलिह की सरकार ने कहा है कि उसे अभी तक चीन के वास्तविक कर्ज के बारे में नहीं पता है। दरअसल मालदीव की अब्दुल्ला यामीन सरकार पर सरकारी खजाने को जमकर लूटने और चीन से भारी कर्ज लेने का आरोप लगता रहा है और माना जा रहा है कि चीन ने मालदीव में सड़क और हाउसिंग निर्माण के नाम पर करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह के सलाहकार और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने चीन के इस कदम पर आश्चर्य जताया है। साथ ही उन्होंने बताया है चीन के राजदूत झांग लीझोंग ने $3.2 अरब के कर्ज की इनवॉइस सौंपी है जो देश के हर व्यक्ति पर $8,000 के बराबर है। गौरतलब है कि मालदीव की आबादी लगभग 400,000 है। मालदीव को अपने सफेद रेत और नीले पानी के लिए जाना जाता है। अब्दुल्ला यामीन सरकार के दौरान चीन ने मालदीव को अपने जाल में फंसाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन मालदीव में सरकार बदलने के साथ ही चीन को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल चीन की ये पुरानी आदत है कि छोटे देशों को पहले अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और जब उसकी चालाकियां नहीं चलती तो वो कर्ज की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देता है। गौरतलब है कि हिंद महासागर में स्थित मालदीव 1200 द्वीपों का देश है जो भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। मालदीव के समुद्री रास्ते से निर्विरोध रूप से चीन, जापान और भारत को एनर्जी की सप्लाई होती है और इसलिए मालदीव में नई सरकार की ताजपोशी भारत के लिए इतनी अहम थी कि पीएम नरेंद्र मोदी भी मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये पहला मालदीव दौरा था। पीएम मोदी से पहले 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश की यात्रा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।